ऑल राइट, सो गाइस कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अफरीदी गेमर में। गाइस आज हम लोग वापस से खेल रहे हैं GTA San Andreas। तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपने चार दो कार और दो बाइक को सेल कर दिया था। एक थी अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस फुल गोल्ड की थी, एक थी अपनी LF फरारी, दूसरी थी अपनी सुजुकी हाया दूसरी क्यों बोल रहा हूँ यार तीसरी सुजुकी हायाबूसा बाइक थी ऑब्वियसली, और चौथी थी अपनी एक KTM RC 390। तो चारों को मैंने सेल कर दिया था एक कस्टमर को, जिसके बदले उसने मुझे 30 मिलियन डॉलर्स दिए थे। तो खैर अभी अपने पे 30 मिलियन डॉलर्स है, तो हम लोग फिर से अपना बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो को यार आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हम लोग एक मर्सिडीज बेंज की एक फुल ब्लैक लिमो लेंगे। हम सभी को पता है भाई लिमोजिन कितनी ज़्यादा ओपी लुक आती है, और भाई फुल ब्लैक में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है दिखने में। तो वहाँ मुझे एक ऑर्डर मिला है फुल ब्लैक मर्सिडीज बेंज की लिमोजिन का, तो मैंने उसे इम्पोर्ट अभी तक करवाया नहीं है। तो अभी हम लोग फटाफट से कॉल करके उसे ऑर्डर कर देते ताकि जल्द से जल्द वो हमारे एयरपोर्ट पर आ जाए, और तब तक हम लोग अपना कोई दूसरा काम निपटा लेंगे। खैर अभी फटाफट से मैं लिमोजिन वाले डीलर को कॉल लगाता हूँ। तो गाइज अभी फ़िलहाल मेरी लिमोजिन वाले डीलर से बात हो चुकी है। वो कह रहा है ठीक है, वो कुछ ही देर में मतलब हमारे इसी लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पर लाकर डिलीवर कर देगा। कुछ टाइम लगेगा क्योंकि भाई आसपास से ही आ रहा है, मतलब अपने सैन एंड्रियास से नहीं आ रहा है, आसपास के कोई कंट्री से आ रहा है। तो आज में आ जाएगा, मैंने बात कर लिया। और तब तक हम लोग एक काम करते हैं, आज आलोक को मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलनी है, तो हम लोग फटाफट से चलते हॉस्पिटल, क्योंकि भाई आलोक को मैं काफ़ी दिनों से मैं जाकर देखा भी नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल कोई कार का इंतज़ाम करना होगा, और मेरा ये गैरेज तो आई थिंक खाली है पूरा। हाँ भाई पूरा गैरेज खाली है भाई, सब तो बेच दी थी। खैर जब तक जेट पैक ले लेते हैं, और फिर भाई आलोक को तो बैठा कर भी लाना है ना, तो कोई अच्छी कार लेकर चलेंगे। खैर अभी हम लोग अपना जेट पैक पहनते हैं, फिर वहाँ से जाएंगे अपने ग्रोव स्ट्रीट, और ग्रोव स्ट्रीट से अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। लेट्स गो गाइस। फिलहाल मैंने जेट पैक पहन लिया और मैं बस पहुँच ही जाऊँगा थोड़ी देर में, क्योंकि भाई जेट पैक अपने पे मजाक थोड़ी है ना। और भाई मैं ना कसम से एक नंबर का गधा हूँ, मैंने मार्क लगाया हॉस्पिटल का और मैं हॉस्पिटल जाए जा रहा हूँ, पहले मुझे ग्रोव स्ट्रीट जाना है। भाई मैं कहूँ ये रास्ता तो आई थिंक मैं पूरा उल्टा जा रहा हूँ। खैर अभी मैंने रास्ता का मतलब सही रास्ता पे मार्क लगा लिया है, तो चलो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने ग्रोव स्ट्रीट। और गाइज जब तक मैं ग्रोव स्ट्रीट जा रहा हूँ तो चलो कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखो गाइज मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वैसे दिखाने मन तो कर नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा आलस आ रहा है मुझे। खैर दिखाई देंगे। आप लोग मेरे चैनल की एनालिटिक्स देखो, कुछ दिनों पहले जब मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल रहा था भाई 40 लाइक्स 40+ लाइक्स आ रहे थे, मतलब हर बंदे को टाइम मिल जा रहा था मेरी वीडियोज़ देख लेने का। और बीच में जो मैंने 2-4 दिन रेगुलर डाले भाई, उसके एनालिटिक्स देखो भाई 12 लाइक्स 15 लाइक्स। मेन बात क्या है ना, YouTube का एक तो ये सबसे बड़ा ग्लिच है, कभी कदार क्या होता है बंदों तक नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचता जबकि उन्होंने बेल आइकन ऑन कर रखा है। खैर अब वो सब तो अलग बात है, लेकिन यार फिर भी इससे मतलब कुछ कुछ बंदों को टाइम नहीं मिल पाता। और अगर कुछ दिन में अगर एक आध दिन का गैप लेकर अगर वीडियो डालता हूँ तो भाई उनको भी टाइम मिल जाता है, वो भी फिर अपना आराम से जब मौका मिलता है तब देख लेते हैं। खैर अब देखते यार, अब अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आया, वैसे मैं ट्राई तो करूँगा। अब देखो मैं कोई बहाना नहीं दे रहा कि मुझे रेगुलर वीडियोस नहीं डालनी, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा एज अ प्रूफ कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है। माइनक्राफ्ट की वीडियो थंबनेल भी मैंने बिल्कुल रेडी रखा है, और मैं सोच रहा हूँ कि GTA के बाद डाल लूँगा। तो वैसे मैं एक दिन डाल के तो मतलब देखूँगा ही GTA के अगले दिन। अब अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो रेगुलर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर यार कुछ एक आध दिन का गैप यार लेना पड़ेगा, वरना यार ऐसे तो मतलब मज़ा क्या आएगा, लाइक व्यूज़ आएंगे नहीं और व्यूज़ भी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं ना। मतलब क्या होता है बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वीडियो देखूं कि नई वाली देखूं पुरानी वाली देखूं। वैसे मैं भी होता हूँ यार, मैं जिन क्रिएटर्स की वीडियो देखता हूँ अगर वो धड़े धड़ डालते रहेंगे तो मैं अब नई वीडियो देखूंगा कि पुरानी वाली। खैर अब इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, फ़िलहाल हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, तो चलो देखते हैं आलोक कहाँ है। भाई हॉस्पिटल मैं सही रास्ता तो आया हूँ ना, एक सेकेंड देखते हैं। अच्छा ये रहा, मैं उस रोड पे था। खैर अभी हम लोग चल के अंदर आलोक मतलब देख लेते हैं आलोक की छुट्टी आज हुई कि नहीं। तो चलो गाइस फाइनली आलोक आ चुका है ये अंदर में, मतलब ऐसे बैठ कर ही था टेबल पर। मैंने रिसेप्शन में बात कर ली और डॉक्टर से ही बात कर ली है, वो कह रहे हैं
भाई अभी हॉस्पिटल से निकला नहीं, देखा क्या ही तगड़ा जंप मार रहा है ये लौंडा। मतलब अभी ढंग से ठीक हुआ भी नहीं और ये अभी से स्टंट कर रहा है। खैर मैंने डॉक्टर से बात कर ली और वो कह रहे हैं कि हाँ अभी सब कुछ ठीक है तो आप इसे घर ले जा सकते हो। खैर अभी मैं इसको इसके घर पे ड्रॉप कर दूंगा चल के। तो मैंने इसके घर का मार्क लगा लिया, तो चलो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं आलोक के घर पे और चल के इसे ड्रॉप कर देंगे। भाई आज तमीज में चलाना है क्योंकि अपने साथ एक पेशेंट चल रहा है। अब वैसे ये नॉर्मल तो हो चुका है क्योंकि काफ़ी दिनों से रेस्ट कर रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन यार फिर भी रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। अब अगर फालतू में कुछ हुआ तो फिर इल्ज़ाम भी मेरे पे ही आएगा कि यही चला रहा था पागलों की तरह। भाई किससे अपना बदला निकाल रहा है ये लोग। तो गाइज़ मैं इस आज ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके अगले दिन ही मैं माइनक्राफ्ट की वीडियो डाल दूंगा। अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं रेगुलर कंटिन्यू करूँगा, वरना तो भाई जैसे चल रहा है चलने दो। मैं इतना ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, मुझे पता है मैं 10 10 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, आप लोग टेंशन ना लो, मैं वीडियो डाल लूँगा बस कुछ दिन के गैप में। हाँ एक आध दिन के गैप में मैं वीडियो डाल लूँगा। फिलहाल आलोक को मैंने उसके घर पे छोड़ दिया है और वो अभी अपने घर गया। उसके घर वाले भी देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। और भाई बलास गैंग वालों से बदला तो ले कर रहेंगे। वैसे यार आप लोग मुझे कमेंट में बताओ बलास गैंग वालों से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं। अब वैसे अब अगर तुम लोग नहीं भी बोलोगे तो भी मैं बदला लूँगा, क्योंकि भाई मेरे भाई जैसे दोस्त को दोस्त के साथ उन्होंने ऐसा गंदा काम किया तो भाई उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और हाँ गाइस मैं फिर से बोल ले रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इतना गैप मैं नहीं करूँगा। मैक्सिमम मैं 1 2 दिन का गैप लूँगा। 2 दिन यार बहुत ज़्यादा है, 2 भी मैं अगर कभी कभार कुछ मतलब कुछ कारण हुआ तभी मैं 2 दिन का गैप लूँगा, वरना तो भाई हर 1 दिन के गैप में वीडियो आएगी ही आएगी। और हाँ GTA की वीडियो हफ्ते मतलब और सब गेम के कंपैरिजन में ज़्यादा डालूंगा क्योंकि भाई GTA की ही चैनल है। तो और मैं आप लोग से एक चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई मैंने कुछ देखा नहीं। मैं वो जो माइनक्राफ्ट की वीडियो आई थी उस पे जो डिसलाइक्स आए वो मुझे पता चला। अब वो किसने किए वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे एनालिटिक्स के हिसाब से भाई मतलब नई ऑडियंस लगभग 200 के आसपास यूनिक व्यूअर्स आए उस वीडियो में। तो भाई मतलब समझ रहे हो जितने भी व्यूअर्स है सब नए हैं। तो इसी वजह से कुछ को मेरी वीडियोस पसंद आई, मैंने देखा है कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी आए माइनक्राफ्ट की वजह से। कुछ कुछ नए हेटर्स भी बन रहे हैं जो कि धीरे धीरे वो भी यार वो भी देखना हमारे गैंग में शामिल हो जाएंगे धीरे धीरे। यार वीडियो डालते डालते उनको भी मैं सेट कर लूँगा। और मैं यार सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने फालतू में तुम लोगों पे इतना गलत इल्ज़ाम लगाया, तो यार माफ़ कर दो मुझे। निकल पहली फुर्सत में निकल। और देखा मैं मतलब इतने दिनों से ये जो कह रहा था कि मैं नई गेम्स खेलूंगा, नई ऑडियंस को अपने चैनल पे लाऊंगा, देखो ये चीज़ अब धीरे धीरे अपने चैनल पे स्टार्ट हो रही है। मैं नई गेम्स मैंने जैसे ही खेला और देखो अपने चैनल पे नए नए ऑडियंस आने लग गए हैं, तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। अब ऐसे ही और भी मतलब काफ़ी सारी गेम्स खेलेंगे जिससे कि अपने चैनल पे और भी ज़्यादा ऑडियंस आएगी और भाई हमारा चैनल मतलब कब ग्रो हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और भाई मैं बिल्कुल भूल ही गया कि मैंने एक लिमोजिन ऑर्डर करी थी, तो खैर उसकी डिलीवरी अभी तक तो आ ही गई होगी। कितने बज रहे हैं भाई? रात के 3:30 बज रहे हैं, तो जाकर मैं लिमोजिन ले लेता हूँ अभी, रख लेंगे यहाँ पर, सुबह डिलीवरी लोकेशन पूछ के हम लोग उसे डिलीवर भी कर देंगे। चलो गाइस फिलहाल मैं अपने जेट पैक से जा रहा हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि भाई कोई भी गाड़ी ले जाने का मतलब बनता नहीं। मैं वहाँ से लिमोजिन को ड्राइव करके लाऊँगा तो कोई भी अपनी कार को वहीं छोड़नी पड़ेगी, फिर वापस जाओ फिर लेकर आओ, भाई डबल मेहनत क्यों करना। इससे बड़े अपने जेट पैक से जाएंगे और अपनी लिमो को चुपचाप लेकर आ जाएंगे। फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ? अच्छा अभी मैं एयरपोर्ट पहुँचा नहीं हूँ, इतना बड़ा वेयर हाउस है मुझे लगा मैं एयरपोर्ट एंटर कर चुका हूँ। खैर फाइनली हम लोगों ने एयरपोर्ट एंटर कर लिया और लास्ट वाला वेयर हाउस हमेशा की तरह वहाँ भाई किसी ने तो फायर की। खैर जिसने भी की अपने को क्या, हम लोग चल के चुपचाप अपना काम पे ध्यान देते हैं। और भाई पता नहीं आजकल मौसम इतना ज़्यादा बारिश क्यों हो रहा है यार, अभी गर्मियाँ आ रही हैं बारिश अभी नहीं स्टार्ट हुई। चलो गाइस फाइनली मुझे यहाँ पर अपनी लिमोजिन खड़ी मिल गई थी, चलो अभी हम लोग फटाफट से इसे ले कर चलते हैं अपने ग्रोव स्ट्रीट लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी तक उस बंदे ने डिलीवरी लोकेशन तो दी नहीं है। खैर अभी हम लोग इसे कुछ देर के लिए वहीं रखेंगे। और भाई लीमो को मैं इतना ज़्यादा स्पीड चला रहा हूँ, थोड़ी सी स्पीड कम करने में ही भलाई है।
और यहाँ से मुझे जाना सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट से चलेंगे, क्योंकि भाई लिमो पे डेंट आए वो मुझे सही नहीं लगेगा। तो अभी हम लोग बिल्कुल प्यार से यहाँ से जाएंगे। और भाई ड्राइविंग में मैंने अपनी सुधार ली है, क्योंकि भाई इन मतलब जितने भी दिन मैंने ये जो वीडियो नहीं डाली ना GTA की, तो हाँ GTA खेले बगैर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं मतलब बिना वीडियो रिकॉर्ड किए ऐसे नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की अपनी ड्राइविंग सुधारने की, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आई है। आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, आज आज की इस वीडियो में मैंने ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं किया है और मैं ठीक ठाक चला भी ले रहा हूँ, एकदम मतलब एकदम ही स्लो नहीं चला रहा। बेटे ओ बेटा मौज कर दे। ये ले, यही बाकी रह गया था, मतलब अपनी थोड़ी सी तारीफ कर क्या लो, ये मतलब होना ही था। मैंने सोचा चलो आज इतनी मस्त ड्राइविंग की है, आज अपने वीडियो में दबा के अपनी तारीफ करूंगा, लेकिन भाई आके तुम लोग मतलब कचड़ा कर देते हो यार। खैर कोई दिक्कत नहीं गाइस, फिलहाल हम लोग अपने ग्रोव स्ट्रीट पहुंच चुके हैं। भाई मत फायर करो यार, आऊंगा तो मतलब तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। खैर अभी हम लोग अपनी लिमो को, यहाँ पर कोई गाड़ी है क्या, मुझे ढंग से याद है नहीं। हाँ मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई गाड़ी तो होगी। खैर अभी हम लोग इसे बिल्कुल प्यार से यहीं पर पार्क कर देते हैं, जब वो डिलीवरी लोकेशन हम लोगों को दे देगा तब हम लोग जाकर इसे वहाँ डिलीवर कर देंगे और फिर पैसे ले आएंगे। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैंने उस बंदे से बात की, और वो बंदा कह रहा है कि आज वो मतलब किसी काम से बाहर गया हुआ है, मतलब सैन एंड्रियास में है नहीं, वो कोई दूसरी कंट्री में गया हुआ है, तो वो कल तक आ जाएगा, इसलिए वो कह रहा है कि तुम मुझे कल ही डिलीवर करना। और भाई ये बंदा मैं कब से देख रहा हूँ अपने लिमो के पास पगलाते जा रहा है। भाई कौन कौन से नशे करके आया तू भाई, मतलब एक ही मुक्के में ढेर हो गया, क्या गुंडा बनेगा तू, हाथ में गन लेकर घूम रहा है। खैर हम लोग अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो अब वो आएगा कल, और अब मेरे पे इतना टाइम तो है नहीं कि मैं कल तक वीडियो ऑन रखूँगा, मतलब मेरे पे क्या तुम लोगों पे, इस वजह से भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते यार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखता हूँ 30 लाइक्स की, मुझे पता है 30 30 आप लोग करवा दोगे। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।